Hello students, hard work is not enough to crack the NEET. ये जो छोटी सी लाइन है ना, इस वीडियो में इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा. लेकिन उससे पहले मैंने कल एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फीज बनो अगर NEET में सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको आई टैब पे वो वीडियो है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक कर वो वीडियो भी देख सकते हैं. NEET के मेरे लिए हार्ड वर्क जो है वो काफ़ी इनफ नहीं है. हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, आपका एक पूरा प्रॉपर आप हैं, दिन ना रात आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं. लेकिन क्या होता है, एक फैक्ट के हिसाब से मैं बता दूं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, उसमें से भी केवल 10% बच्चे ही जो होते हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं. मैं कोई फेक नहीं बता रहा, एक फैक्ट है. अगर आप न्यूज़ पर सर्च कर लें, आप कोई भी अच्छा मेडिकल काउंसलर हो, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टीचर हो, आप उनसे एक बार पूछ लें, वो भी आपको यही बताएंगे. फिर जब नीट के लिए हार्डवर्क अकेला कुछ काम नहीं करता है तो फिर क्या करना चाहिए. तो जो हार्डवर्क के साथ साथ जो स्मार्ट स्टडी होती है, वो बाकी के 10% जो स्टूडेंट होते हैं वो इन दोनों को, हार्डवर्क के साथ साथ अपनी स्मार्ट स्टडी को भी स्टूडेंट साथ में रखते हैं. हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्टडी, ये दोनों जो होती है ना, ये मिलके सिलेक्शन रेशियो जो होता है और आपका रैंक रेशियो जो होता है वो इनक्रीज करती है. देखिए, एक स्टूडेंट्स है, आप एक बार सोचिए कि आप क्लास 12 तक आप अपने पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर स्कूल के टॉपर रहे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आपका स्कूल था उस स्कूल के आप टॉपर रहे, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके टीचर्स भी आपसे कहते थे कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी टॉपर हैं. वही स्टूडेंट उठ के जब एक कॉम्पिटिशन लाइन में कहीं बड़ी सी कोचिंग में जाता है, वहाँ जाके उसकी रैंक 100, 200, 300, 400 के आसपास पहुँच जाती है. एक स्कूल में रहने वाला बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पर रैंक कमाती है. ये नहीं है कि आपका इंटेलिजेंसी आपकी कम हो गई है, नहीं, आप अपने एरिया में जो थे वो टॉपर थे, आपके एरिया के आप टॉपर, दूसरे एरिया का टॉपर, तीसरे एरिया का, डिफरेंट प्लेसेस के जो टॉपर हुए, अब सारे टॉपर मिलके उस पर्टिकुलर एरिया में आके एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. आप अपने एरिया में टॉपर रहे थे लेकिन आपके एरिया में 10 बच्चों जो एक सेम स्टडी कर रहे थे उनमें से आप टॉपर थे, बाकी 10 आपके नीचे थे. लेकिन अब आपके सामने 10 ऐसे बच्चे हैं जो सेम लेवल पे हैं, हर कोई अपने यहाँ का टॉपर है. आप घर पे जो हार्डवर्क कर रहे थे, अब यहाँ पे वो हार्डवर्क आपका काम नहीं आएगा. हार्डवर्क के साथ साथ अब यहाँ पे वर्क करेगा फैक्टर स्मार्ट स्टडी, जो इस स्मार्ट स्टडी को कर ले जाता है वो नीट में सिलेक्शन पा लेता है. और जो हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्टडी प्लस टाइम टेबल, तीन चीज़ें होंगी. हार्डवर्क है, आप करिए हार्डवर्क, लक होगा, सिलेक्शन हो जाएगा. अगर आपका हार्डवर्क काम किया, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, रैंक आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा. लेकिन 90% स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनका नहीं होता है, सबका तो नहीं होगा. देन हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्टडी सिलेक्शन आपको दिलवा देगा. लेकिन हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्टडी प्लस टाइम टेबल, ये तीनों मिलके एक स्टूडेंट्स को टॉपर AIR 1, AIR 2, AIR 3 यहाँ ले जाते हैं. देखिए, हार्डवर्क का मतलब क्या हुआ, आप सुबह 8 बजे शाम को कोचिंग से लौटे, 9 बजे तक खाना खाया, 10 बजे एक घंटे का आपने ब्रेक लिया, आप सोचने 10 बजे से कंटिन्यूसली 5 बजे तक सुबह की पढ़ाई की. 5 बजे आप सोते हैं, 10, 6, 11 बजे जागते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फ्रेश हुए, 12 बज गए, 2 घंटे आप पढ़ते हैं, 3 बजे से मान लीजिए आपकी फिर से कोचिंग है. मतलब आप कंटिन्यूसली पढ़े, 10 से रात में 10 बजे से 5 बजे तक आप कंटिन्यूसली पढ़े, ना कोई मोबाइल फ़ोन आपने छुआ, ना किसी दोस्तों के साथ आपने गॉसिप्स की, ना आपको किसी ने डिस्टर्ब किया, ना किसी की कॉल्स आपके पास आई, बिल्कुल नॉर्मली कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, आपने पढ़ाई की. एक प्रकार की पढ़ाई होती है जिसको हम कहते हैं, जो हमको बुक में दिया गया, नॉर्मली ये रही आपकी बायो की बुक, बायो की बुक में जो लाइन लिखी है आप वो सारी लाइन को ऐसे रट रहे हैं, इसको कहते हैं रट्टाफिकेशन. आप रटते जा रहे हैं, आप याद करते जा रहे हैं, याद करते हैं, लिखा है आपको, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप पढ़ते जा रहे हैं. ये आप कर रहे हैं हार्ड वर्क. लेकिन स्मार्ट स्टडी यहाँ पे क्या होती है, स्मार्ट स्टडी ये होती है कि आपको पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए. आप जो पेज पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद आपने उस टॉपिक में प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन देखे, आपने प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए, इस लाइन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए. अच्छा, इस लाइन में आपको क्वेश्चन पूछ चाहिए, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर लाइन लिखी है तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन से
दिमाग में ये आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लाइन से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ हैं। अगर आप एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो आपके बारे में याद आना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कहाँ कहाँ किया गया। आपको याद आना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कहाँ कहाँ उसको लिंक किया जा सकता है। इस लाइन से पर्टिकुलर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल दिए गए, उसका आप क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। उसमें उन्होंने स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया के बारे में बात किया था, आपको दिमाग में आना चाहिए स्टेप्लोकोकस दिया गया है। ऑप्शन में एग्जामिनर हमको कन्फ्यूज करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दे सकता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद से आने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कंपेयर पढ़ के जब आप बायो के टॉपिक पढ़ेंगे वो स्मार्ट स्टडी होगी। इस स्मार्ट स्टडी से फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी टाइम तक सेटल रहेंगी। जब आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे तो उन चारों ऑप्शन में से आप एक्यूरेट आंसर जो होगा वो फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपने स्मार्टली स्टडी की है। आपने उस पर्टिकुलर लाइन से कहाँ कहाँ ऑप्शन ये डाले जा सकते हैं इस लाइन के, उस पर्टिकुलर लाइन से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपने वो स्टडी की है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के बीच में आपसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर स्मार्ट स्टडी हम करेंगे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। एक टॉपिक है, आप जिस टॉपिक की मैंने बात की, सर ये मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर फिर उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। इसलिए तीसरा होता है टाइम टेबल। हार्डवर्क कर लिया, स्मार्टली स्टडी आप कर रहे हैं, तीसरा होता है टाइम टेबल कि उस टाइम को मैनेज कैसे करें। जो मेरे पास 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का मेरे पास 7 घंटे वो हैं, दिन में मेरे को 2 घंटे और मिल रहे हैं, मेरे पास जो पूरे 9 घंटे हैं, उस 9 घंटे में मुझे यूटिलाइज़ कैसे करना है। बिकॉज मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, मैं 7 घंटे कॉन्टीन्यूस टेबल पर बैठ के पढ़ सकता हूँ, ये मेरे पास कैपेसिटी है। लेकिन इस कैपेसिटी को मैंने अपने स्मार्ट वर्क के साथ लिया और अब मुझे इसमें करना क्या है, टाइमली इसको कैसे मैनेज करना है। 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं 2-2 घंटे में डिवाइड कर लूँ, 1 घंटे में मैं इसके न्यूमेरिकल्स लगा लूँ, या मैं इसको 1.5-1.5 घंटे में डिवाइड कर लूँ, मैं ईजिली कैसे डिवाइड करूँ। ये जो टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल आपको खुद बनाना होगा। देखिए पहली बात, किसी को फॉलो मत करिएगा, किसी का टाइम टेबल फॉलो मत करिएगा। हर कोई अपने टाइम टेबल में खुद के लिए वेल डिफाइंड होता है। आपके लिए खुद का आपका एक टाइम टेबल होगा, खुद का एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर टाइम को आप अपने लिए चूज करिए, उस पर्टिकुलर टाइम में आप अपना टाइम टेबल बनाइए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, फिर से बता दूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट इतना टफ नहीं होता है जितना टफ हम उसकी हाइप बना लेते हैं। हम जिस चीज़ को जितना मुश्किल समझेंगे हम उस चीज़ से उतना ही डरेंगे। अगर मैं आपको एक अकेले अंधेरे कमरे में छोड़ दूं और आपसे कुछ ना कहूं, आपसे कहूं जाके उस कमरे में सो जाइए, नॉर्मली आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप उस कमरे में जाके इजीली सो जाएंगे, सुबह आप आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना बोल दूं कि उस कमरे में आवाज़ आती है तरह तरह की। आप उस कमरे में जाएंगे, आवाज़ आ भी नहीं रही होगी, फिर भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, आप डर जाएंगे। एवरीथिंग जो होता है वो हमारा ब्रेन से कंट्रोल होती है, सब कुछ जो होता है स्टूडेंट्स हमारे माइंड से कंट्रोल होता है। हम जिस चीज़ को जितना टफ समझेंगे वो हमारे ऊपर उतनी ही हावी होगी। नीट इज़ इजी, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोच लिया वो इजी है मेरे से निकल जाएगी, नहीं, इजी सोचना है क्योंकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो। फिर अपनी 3 चीज़ें हार्डवर्क, स्मार्ट स्टडी प्लस टाइम टेबल, फिर इसको फॉलो जरूर करना है। बात यहाँ पे एक स्मार्ट स्टडी में ये आती, सर आपने बायो का तो बता दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्मार्ट स्टडी कैसे करें। देखिए फिजिक्स और स्मार्ट स्टडी कैसे करें तो मैं आपको बताऊँ इससे क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन रटने लगते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। हम क्लास 11th और क्लास 12th का एग्जामिनेशन देने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। हमको जो एग्जामिनेशन देने हैं उसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं जो कोई बंदा फिजिक्स पढ़ के ना जाए वो भी कर लेगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मतलब 15 क्वेश्चन करने की हमारी कैपेसिटी है। अब मुझे 20 क्वेश्चन और सही करने, जिससे मेरे 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन सही होने का मतलब मेरे 140 मार्क्स जो हैं वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिजिक्स में आ जाएंगे।
नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिजिक्स में 140 मार्क्स, बायो में 320 मार्क्स और 140 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आने का मतलब है कि आपको टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट का अलॉटेड हो जाएगा। तो फिजिक्स में कैसे करें? देखिए, फिजिक्स में करने का मतलब है बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व। फॉर्मूला रटने से अच्छा है आप उसके कॉन्सेप्ट देखें। एक फ्री फॉल का क्वेश्चन है कि बॉडी को हमने ऊपर से छोड़ा तो हम उसके फॉर्मूले रटते हैं? नहीं, हमको फॉर्मूले नहीं रटे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब सारे साइन जो होंगे वो नेगेटिव में लेने हैं। तीन इक्वेशन हमारा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। इसमें आपको सारे अपने बस आपको क्या सीखना है कि ऊपर से नीचे तक आते हैं तो साइन हमको नेगेटिव लेने हैं। तो बस ग्राउंड के नीचे साइन पॉजिटिव, ग्राउंड के ऊपर के साइन नेगेटिव लेने हैं। बाकी के आपकी वही इक्वेशन है, उनमें फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, यहाँ से निकालिए। शॉर्ट फॉर्मूला रटने की कोई कोशिश नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद एक दिन का ब्रेक लीजिए। आज आपकी तारीख है 18, आपने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट किया मैग्नेटिज्म, 19 का ब्रेक ले लीजिए, 20 को क्वेश्चन लगाइए। ये होती है स्मार्ट स्टडी का सबसे बेस्ट ट्रिक। 20 को मैं क्वेश्चन लगाने के लिए से बोलूँ क्योंकि आप 20 को क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 19 को आप कितना भूले वो आपको 20 को मालूम चल जाएगा। अगर आप 18 के क्वेश्चन 18 को ही लगाएंगे और 19 को लगाएंगे तभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, बीच में आपने कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा है, किसी दूसरे टॉपिक पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो वो आपको तब याद रहेंगे और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको तो अपने कॉन्सेप्ट देर तक याद रखने, 3rd of May तक आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। 2nd of May को बैठ के तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपके अप्रैल के मंथ के पहले हो चुके होंगे। अप्रैल के मंथ में तो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और जो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत वीक रह गए होंगे आप उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो करना क्या है, 18 को आपने आज फिजिक्स कंप्लीट किया, 19 का ब्रेक लेना, 20 को क्वेश्चन लगाने, जिससे मालूम ये चलेगा कि 19 डेट को आप क्या क्या टॉपिक भूल चुके हैं और आप जो जो टॉपिक आप 19 को भूल चुके थे बस उन टॉपिक को आपको अब पढ़ना है। 20 के बाद 21 को आपको उन टॉपिक को पढ़ना है, 21 के बाद दूसरे दिन 23 को अब क्वेश्चन लगाने सारे जो आपके छूट गए थे। 4 दिन का समय लगा, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट करने में 4 दिन का समय जरूर लगा, लेकिन 4 दिन में आपने ये नहीं देखा सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए, साथ ही साथ उसके सारे क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल्स में थे वो आपको लग गए, परफेक्ट आपका आप यहाँ पे वो चैप्टर तैयार हो गया। अब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। ये होती है प्रिपरेशन करने की सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी। यही सेम जो होती है वो आपको केमिस्ट्री में फॉलो करनी है। तो ऐसे अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स जो होंगे इंक्रीज होंगे, रैंक जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।